हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत करते हो आपके अपने यूट्यूब चैनल किराना बिजनेस पे। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है काफ़ी सारे सामान जो आपकी दुकान के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। अब वो सोचिए कि आपने मंगाया तो मुझे कैसा फायदा होगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो प्रोडक्ट मैंने मंगाया है आप भी ऑर्डर कर सकते हैं और आप भी ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं। ये तो थंबनेल वाली बात होगी, बहुत ढेर सारा पैसा कमा, मतलब ठीक है अगर आप होलसेलर से मार्जिन लेते हैं तो वो मार्जिन और इस मार्जिन में अंतर होता है, आप थोड़ी सी ज़्यादा कमा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज बताते हैं आपको कि कौन सा प्रोडक्ट लिया और कितने पे लिया। आपको पूरा प्राइस लिस्ट दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा। क्या देंगे? आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस फ्लिपकार्ट के ऑर्डर से ही पहले कि कौन सा सामान मंगाया। ये देखिए ये जो है, अच्छे से आपको दिखाता हूँ। ये देखिए चेरी ब्लॉसम क्वांटिटी 2 है, MRP 68 रुपये है और मुझे लगा है 112 रुपये। ये देखिए 112 रुपये, यानी एक पीस पड़ गया लगभग मुझे 56 रुपये। 56 रुपये यानी 12 रुपये का मार्जिन। तो शायद ही आपको कोई होलसेलर आपको ये रेट दे पाए। ठीक है, और ये मैं प्रोडक्ट भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए मात्र 2 ही पीस, क्योंकि इसकी सेल ज़्यादा है नहीं तो 2 पीस 1 पीस में ये ज़्यादा हमें होलसेलर ये रेट देगा नहीं। फिर आइए बात करते हैं इस पर, हर्षे मिल्क शेक आलमंड 2 पीस, कितने का पड़ा? 52, यानी 1 पीस पड़ गया मुझे 26 रुपये का। ये देखिए यही है मिल्क शेक और इसकी MRP आपको चलिए बताते हैं। MRP ये देखिए MRP है 35 रुपये और अप्रैल तक इसकी वैलिडिटी है तो कोई दिक्कत नहीं है, अप्रैल तक है तो आराम से बेच देंगे। अभी तो सीजन स्टार्ट ही हुआ 4 महीने का, तो अगर आप होलसेलर से लेंगे तो ये लगभग 30 रुपये 31 रुपये का पड़ता है। देखिए 2 पीसेस है चॉकलेट का ही, हर्षे का। ठीक है, तो नेक्स्ट यदि हम लोग बात करते, देखें मैगी 2 मिनट इंस्टेंट मैगी नूडल्स, ये देखिए 109 MRP है और 582 रुपीस पड़े मुझे। देखिए मैगी तो आप देख ही रहे हो यहाँ पर, देखिए मैगी मैगी काफ़ी बड़ा साइज है। और इसकी अगर बात करते हैं तो हेलो दोस्तों, जैसे हम लोग बात कर रहे थे इसकी क्या बोलते हैं मैगी की, 109 MRP की है, 582, यानी आइए कैलकुलेट करते हैं इसको, 582 / 6 ये 97 रुपीज का पड़ रहा है। तो यदि आप होलसेलर से लेंगे 109 रुपये का है तो ये आपको लगभग 99 से 100 रुपीज तक में मिलेगा, तो इसमें ज़्यादा मार्जिन नहीं है, 2 रुपये से 3 रुपये तक का ही मार्जिन। बट ठीक है, हमें मार्जिन से क्या है ना, ये कि साइज बड़ा है तो आपकी होम डिलीवरी हो जाती है तो ज़्यादा अच्छा है। 1 रुपये 2 रुपये मार्जिन भी मिल गया हमें और आपके शॉप तक ये पहुंचा भी दिए। ठीक है, तो इसे मैं नीचे रख लेता हूँ। और चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए गिट्स का गुलाब जामुन इंस्टेंट 105 MRP, कहाँ गया गिट्स का गुलाब जामुन, इसकी बात करें प्राइस। देखिए गिट्स का गुलाब जामुन 5 पीसेस का है, 105 रुपये MRP, 390 रुपये लगा। तो 390/5 देखिए कितने का पड़ा, 78 रुपीज का। तो यदि आप होलसेल से लेंगे ना तो ये आपको लगभग 85 रुपीज का पड़ेगा, तो लगभग इसमें 7 रुपये का एक्स्ट्रा बेनिफिट है, एक्स्ट्रा मार्जिन। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं, एक मिनट कस्टमर आ चुका है। दोस्तों
तो फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं गेट्स गुलाब जामुन। आप देख लीजिए 6 नंबर पे मिल्क शेक, वही 35 MRP का, ये देखिए वही 35 MRP का है। ये देखिए ये आपको 28 रुपीज़ पड़ेगा, तो इसमें ज़्यादा नहीं, 2 रुपये एक्स्ट्रा मार्जिन होलसेलर से, तो फिर भी ठीक है, आप गर्मियों के दिन के लिए अच्छा है, ये रख सकते हैं मिल्क शेक, काफ़ी टेस्टी भी, हर्षी कंपनी भी की अच्छी कंपनी। फिर नेक्स्ट आते हैं फॉर्चून का बेसन 500 ग्राम, ये लिमिटेड ही देते हैं, सबसे बड़ी बात है ना कि ये लिमिटेड देते हैं, एक पीस ही दिए, बट ठीक है हमें क्या है, एक पीस में भी अगर आप बेनिफिट दे रहे और दुकान से 5 रुपये भी तो एक्स्ट्रा है। ये देखिए फॉर्चून का बेसन आपको मिल जाएगा, और सब कुछ हमेशा शक में ये रहता है ना कि इसकी वैलिडिटी क्या देते हैं ये फ्लिपकार्ट वाले। ये देखिए 10 दिसंबर 2022 से लेके 9 मई 2023, देख रहे हैं आप 9 मई 2023, यानी 4-5 महीने हैं आराम से, अभी जनवरी है तो आराम से 4-5 महीने में बिक जाएगा, अगर एक ही पीस है ये तो तुरंत ही बिक जाए, तो इसमें भी आपको एक्स्ट्रा, जैसे अगर आप लोकल होलसेलर से लेंगे तो लोगों का अभी कितना है बेसन लगभग 84 से लेकर 86 रुपये के जी है, तो इसमें 2-3 रुपये एक्स्ट्रा मार्जिन आपको मिल रहा है। फिर हर्षे का मिल्क शेक तो आप देख ही रहे, तो भी अलग फ्लेवर में है, सेम है वो, तो रियल मसाला गुआवा है, ये देखिए ये है एक धमाकेदार, अगर आप बात करें ना सबसे धमाके वाला, देखिए रियल फ्रूट पावर मसाला, अगर ये आप बेचते हैं, ये देखिए इसका मार्जिन कितना है 125 MRP, और यहाँ पे देखिए क्या पड़ा ये फ्लिपकार्ट पे, ये अभी ही मिलेगा जनवरी में ही मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा ये जनवरी फरवरी में, क्योंकि ये सीजन आ जाएगा तो थोड़ी मिलेगा ये प्राइस। ये देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ये देखो 55 का है और ये 125 का, यदि अगर हम लोग कैलकुलेट करने लगे तो देखिए कितना आपको बेनिफिट पड़ जा रहा है, देखिए 125 माइनस 55 70 रुपये का, मतलब दोगुना से भी ज़्यादा आपको बेनिफिट, अगर 55 रुपये आप लगा रहे हैं तो दोगुना से भी ज़्यादा बेनिफिट है, तो आप मंगाना चाहेंगे या नहीं मंगाना चाहेंगे आप खुद ही देख लीजिए, इतना अच्छा ऑफर। अब गिट्स हर्षे का मिल्क शेक है वो देख लिया, गिट्स गुलाब जामुन, हाँ इसकी बात करते हैं, ये देखिए गुलाब जामुन बना हुआ भी होता है, यदि आपको दुकान में नहीं भी बिकते हैं तो लास्ट मंथ आप खा जाइए, खुद ही खा जाइए, 1 kg का, अगर आप मार्केट में भी लेने जाएं तो 250 रुपये के जी से कम का नहीं है गुलाब जामुन कोई भी, और ये तो गिट्स अच्छी कंपनी है गुलाब जामुन की, फेमस कंपनी। तो चलिए इसकी डिटेल के बारे में पहले हम बात कर लेते हैं, ये देखिए इसकी MRP है 2,220 रुपये, जिसकी वैलिडिटी है 14 मार्च, ये थोड़ी सी लेट है, मतलब कि 2 महीने ही बचे हैं, तो ठीक है अगर बिक गया हमें तो क्या दिक्कत है, अच्छी मुनाफा मिल रहा है मुझे, अच्छी बेनिफिट मिल रही है, नहीं मिले तो हम गुलाब जामुन घर में खा ही सकते हैं, और 14 मार्च है तो होली उससे पहले ही है, गुलाब जामुन आप खा सकते हैं इजीली, या तो अपने मेहमानों को भी खिला सकते हैं, वैलिडिटी रहते हैं अंदर। तो चलिए अगर इसकी हम प्राइसिंग की बात कर लें तो गिट्स का गुलाब जामुन देखिए कितना का आ रहा है, ये देखिए 220 रुपये MRP है इसकी, 300 रुपये में दो, यानी 150 रुपये का एक पड़ा है आपको, 70 रुपये का मार्जिन, गिट्स के गुलाब जामुन कितना पड़ रहा है 70 रुपये का मार्जिन, जो काफ़ी अमेजिंग है, यदि आप कस्टमर को 20 रुपये भी छोड़ देते 200 रुपये के जी तो आप 50 रुपये डायरेक्ट कमा सकते, आप फिर सोचिए कितना बेनिफिट वाला ये चीज़ है। अब क्वालिटी ब्रेकफास्ट सीरियल्स 11 नंबर, ये तो भाई साहब धमाके वाली चीज़, आप वो केलॉग्स का चौकोस बेचते होंगे है ना, ये देखें ये 10 रुपये पर पैकेट आप बेच सकते हैं, ये 60 रुपये आपको मिलेंगे ये सर 10-10 रुपये 6 पैकेट से, अगर आप ये बेचते हैं तो देखिए इसके रेट क्या पड़ेगी मुझे 25 रुपीज़, यानी 35 रुपीज़ एक्स्ट्रा मार्जिन, 25 लगाइए 35 पाइए, अगर आप किराना दुकान में ये सब आइटम रखने लगे ना तो आप किराना दुकान बूम पे जाकर देखिए बूम पे, तो आप ये सब ऐड कर रहिए, ये सब देखते रहिए जानते रहिए और जुड़े रहिए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो, क्योंकि जो भी ऑफर होगा मैं पूरा ही बताता रहूँगा, इसमें पूरी जानकारी देता रहूँगा। हेलो दोस्तों, तो कैसा लगा आपको ये मेरा जो फ्लिपकार्ट का ऑर्डर का जो सीरीज है, ये आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो चलिए हम लोग अब आपने देख लिया सारा प्राइस लिस्ट, तो आप ज़रूर चैनल को लाइक कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसमें जो आपका नेक्स्ट जो आने वाला है, मतलब जो भी ऑफर आएगा मैं फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करूँगा वो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा, और आपको लिंक भी मैं शेयर कर दूँगा ताकि आप वहाँ से डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं, तो इसमें आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी, कोई तकलीफ भी नहीं होगी, और इससे आप ज़्यादा बेनिफिट कमा सकते हैं, अपने किराना दुकान में भी काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं।
तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दुकानदार भाइयों को जो भी आपके दोस्त हैं उसके साथ शेयर जरूर करें और भी दुकानदार भाइयों, ताकि वो भी देखें, वो भी मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें। यदि आप एक नॉर्मल यूजर हैं तो आपके जानने में कोई दुकानदार है तो आप उसे भी ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी अपना मैक्सिमम बेनिफिट उठा सके। सो धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।